आओ दोस्त, आज रात हम बानो दुल्हन का मेहमान हैं। वो तो नहीं, मगर ये वीराना उस शेरदिल खातून की यादों से भरा है। ऐ मुंतकिम कर्रार, खुश आमदीद। मेरी आरजू पूरी हो गई। मुझे पता था कि तुम हज से लौटोगे। मैंने खैमा लगा दिया है ताकि तुम इसमें ठहर सको। ए, ए, कहाँ घोड़ा कहाँ ले जा रही हो? मैं इस सवारी के बगैर कूफा नहीं पहुंच सकता हूँ। जमरात को यूं कंकर मारे हैं तुमने मुख्तार? तुम इतने अरसे खाना काबा में क्या करते रहे? तुम्हारे इश्क के कदम अभी कमजोर हैं। अगर इश्क की सवारी पर सवार हो जाते तो तुम चश्मे जदन में कूफा में होते। तुम खुद शैतान हो बदबख्त, खुद शैतान हो। मेरे दोस्त, हमें एक दूसरे से जुदा होना होगा। तुम जाओ, मैं यहीं रहूंगा। मुझे इस कदर रुकना होगा कि खुदा मुझ पर रहम फरमाए। जाओ। मुझे इस तन्हाई की जरूरत है, मेरी मदद करो। जाओ। मैं 3 साल खाने खुदा में था, मगर अब तक शैतान के जंगल से आजाद नहीं हुआ। खुदा मुझे माफ करे, उसने मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया। जाओ। समझते क्यों नहीं है वान? तुमने अब तक एक शैतान को अपने पुष्प पर सवारी दी है। रुके हुए क्यों हो? जाओ। मुख्तार, पूरे हुसैन का इंतकाम लेने वाले का दिल भरा हुआ होना चाहिए। जब तक तुम्हारे कदम जमीन में गड़े हुए हैं, तुम रकाबे हुसैन में शहसवारी नहीं कर सकते। वहब मुख्तार, वहब, वहब नसरानी के साथ हमसफर बन जाओ ताकि इश्क करना सीख जाओ। देख रही हो मेरी दुल्हन, ये कद कामत, ये गबरू जवान, ये शेर नौजवान, ये वही कल का नया दुल्हा है जो एक गौहर शनास के नजर पड़ने से नजरे बद का शिकार हो जाता था। देख रही हो, इस जंगी लिबास के साथ तो वो पहले से भी ज्यादा हसीन हो गया।
इस जंगी लिबास में तो मैं तुम्हारी मजीद आशिक हो गई हूँ। इसे मैदान में देखोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हें दीवाना बना देगा। आज वहाब मैदान में अपनी नई दुल्हन के सामने अपनी अदाएं दिखाएगा, वो मैदान में अपनी माँ को लोरिया सुनाएगा और रक्स से तलवार दिखाएगा। उसकी तलवार का रक्स देखकर सबके होश उड़ जाएंगे। मुझे शक नहीं कि मेरा जवान बेटा आज जमीनों आसमान वालों जिन्नो इंसो मलक सबको मबूत कर देगा। ज्यादा तारीफ मत करो माँ, मुझे डर है हक अदा ना कर सकूं। तुम वाकई शेर हो मेरे बेटे, मैं अपने बच्चे को जानती हूँ। क्या तुम्हें आता है वहाँ? क्या आता है? तुम्हें जंग करनी आती है? इतनी अच्छी नहीं जितनी माँ को तवक्को है। तलवार और घोड़ा हर अरब की आबरू है, मैं भी एक अरब हूँ। कोशिश करूंगा कि इज्जत और आबरू का भरम रख सकूं। दुश्मन हजारों की तादाद में और हम 100 से भी कम हैं। ऐसे मैदानों में तो माहिर लड़ाकू भी नाबलद लगने लगते हैं। इस जंग में सिर्फ इश्क का सहारा है, अगर इश्क हो तो फिर हाथ और तलवार अपना काम बखूबी अंजाम दे सकते हैं। माँ की जानो जिगर, देखो खुदा का शुक्र है कि उसने हमें नबी के नवासे की राह में लाकर खड़ा कर दिया। हुसैन के हाथों ने तुम्हें चुना है, तुम जहरा के नूरे चश्म के साथी हो। खुश नसीबी यकीनन तुम्हारे कदम चुमेगी बेटे, तुम आलम में मलकूत की महफिल में बुलाए गए हो बेटे। बचगाना फैसला करोगे तो मंजिल को ना पा सकोगे। अम्मा जान, आप तो ऐसे बात कर रही हैं कि जैसे वहाब को हम आखिरी बार देख रहे हो। आज करबला में एक के पीछे एक इस्माइल खड़े हुए हैं कि ज़िबा हो सके। मेरा बेटा भी इनमें से एक है, वहाँ कुर्बानी के लिए जा रहा है ताकि अपने खून को हमारे हाथों की मेहंदी बना दे। तो फिर मेरा क्या होगा? मेरा तो ना बाप है, ना कोई भाई, ना कोई घर बार है। मुझे तो आपकी बहू बन के 20 दिन भी पूरे नहीं हुए। मेरी सारी उम्मीद और इश्क वहाब है, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? प्यारी दुल्हन, कहीं तुम्हारे आंसू शैतान का वसवसा बनकर तुम्हारे मियाँ के कदमों को ना रोक दे। तुम्हारा जैसा आशिक अपने महबूब की हमेशा रहने वाली खुशनसीबी की राह में रुकावट नहीं बनता। अम्मा जान, मैं अपनी नई दुल्हन को आपके हवाले और आपको हुसैन के खुदा के हवाले करता हूँ। वादा कीजिए आप इसके लिए वैसी ही शफीक माँ बनकर रहेंगी जैसे आप वहाब को पालती थी। बिल्कुल बेफिक्र रहो मेरे बहादुर शेर, आज के बाद ये नन्ही सी हूर मेरी दुल्हन भी है और मेरे बेटे की यादगार भी। एक शर्त पर, बस एक शर्त पे मैं राजी होंगी कि तुम तो मैदान जाओ। आप शर्त? आज मौला हुसैन की नुसरत करना वो वाजिब काम है जो खुदा ने उम्मत के हर शख्स पर लागू किया है। खुदा के वाजिब किए हुए अहकामात पर शराइत लगाना महज नाइंसाफी है। मैंने दो टोक बात कर दी है, अगर तुमने मेरी शर्त ना मानी तो मैं मौला हुसैन और उनकी खुदा की बारगाह में शिकायत करूंगी। क्या शर्त है तुम्हारी? कबूल करोगे शर्त को तो बताऊंगी। कैसे वादा कर लूं जबकि तुम्हारी शर्त नहीं जानता? मत घबराओ वहाँ। मुझ जैसी एक नई दुल्हन जो अपनी आँखों के सामने अपने तमाम असासे और अरमानों के खत्म होने पर राजी है, उसकी शर्त भी यकीनन मुनसिफाना होगी। बहुत खूब। ओ बेटा, अगर इसकी शर्त तुम्हारे इरादे को निशाना बना दे तो फिर भी मांग जाओगे? अम्मा जान, अगर मैं अपने महबूब के इरादों में रुकावट बनी तो मुझसे बुरी कोई ना होगी। क्या मुझे इस कठिन वक्त में भी अपनी किस्मत को बचाने और संवारने का हक नहीं है? ये कैसे हो सकता है कि आप चाहें और मैं ना चाहूं? आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी शर्त कोई ऐसी नहीं कि जो हमारे वाहब को मलकूती मेहमान बनने से रोक दे। बहुत खूब, मुझे मंजूर है। तो फिर वादा करो कि तुमने दुनिया में जो मुझे नहीं दिया वो आखिरत में दोगे। तुम्हें वादा करना होगा कि बरूज़ी क़यामत मैं तुम्हारी बीवी होगी और तुम मेरे शौहर।
सुभानअल्लाह, तुम किस आलम की सैर कर रही हो? उसी जगह जिसको पाने के शौक में तुम बेचैन हो रहे हो। अगर मैं दोजखी हुआ तो फिर भी मेरी शरीक होना चाहोगी? दोजख के दरवाजे फिदायान हुसैन पर बंद हैं। अजीब शर्त लगाई है तुमने मेरी जान। वहा तो फिर मेरी दुल्हन की शर्त कबूल है? मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, मान ली। तुम्हें किसी की जमानत देनी होगी ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। शराफत से बेहतर कौन सा जामिन हो सकता है? वो तो ठीक है, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरे मौला हुसैन इस बात के जामिन बने। स्याह दिल और स्याह चेहरे वाले लोगों, तुम लोग कौमे बनी इसराइल से भी बदतर हो। जानते हो कि क्या कर रहे हो? तुम लोगों ने अपने नबी के फर्जंद का रास्ता रोका है। क्या हुसैन ने तुम लोगों पर कोई जुल्म किया है या तुम में से किसी का हक छीना है? तुम में से किसी का खून उनके सर पर है जो उनकी जान के पीछे पड़ गए हो? खुदा की कसम, अगर इस दुश्मनी से दस्तबरदार ना हुए तो कयामत तक तुम लोगों से सुलह ना हो सकेगी। सिर्फ खिफत और ख्वारी तुम्हारे हक में रह जाएगी और खुदा की बरकतें और नेमतें हर किस तुम्हें नसीब ना होंगी। ओ कमसिन बच्चे, बंद करो ये वाज़ो नसीहत, थक गए हम। कौन हो तुम? मैं वहाब इब्न अब्दुल्ला इब्न हुबाब अल-कल्बी हूं। अपने आका और मौला हुसैन के दीदार से कबल नसरानी मजहब से ताल्लुक रखता था, मगर हुसैन के अमल को देखकर उनका शिदाई हो गया, फिदाई बन गया। खुदा की कसम, ईसा मसीह आलम मलकूत में हुसैन के दीदार के मुश्ताक है। कसम है चांद सूरज और सितारों के खालिक की, कसम है जमीन और मौज जन दरियाओं की, कसम है बारिश को नाजिल करने वाले की कि मैं रसूल खातिम के नवासे की राह पे अपनी जान अजीज का सौदा करने आया हूँ। जब मुसलमानों ने हुसैन की मदद नहीं की तो तू नुसरानियों से मदद मांग रहा है? जा बच्चे, हम अहले किताब से नहीं लड़ते। खुदा तेरा मुंह तोड़े मलाऊं, तूने अपनी आसमानी किताब पर तलवार उठाई है। हुसैन के बातिल पर होने का सबूत यही है कि उसने तुझ जैसा नुसरानी बच्चा मैदान में भेजा है। तुम्हारे पास जो औजार हैं उनके नाम क्या हैं बच्चे?
हाथ को इसके कंधे में रुला दो। जी अमीर। सांप के बच्चे का डंक सहेगा वो मेरे नजदीक एक बड़ा इनाम रखता है। लाशे से भी डर रहे हो? ये मरा नहीं है अमीर, अभी जिंदा है। इस सांप के बच्चे को उठाओ और सूली पर चढ़ा दो जब तक अमीर का इसके बारे में हुक्म आए।
तुम जानते हो क्या कह रहे हो? ये क्या तमाशा है शिमर? कल्बियों में से एक है जिसका नाम वहाब है। यह हुसैन का सहाबी बनने से पहले नसरानी था। अवाम को बताने के लिए बहुत अच्छी दलील है कि हुसैन और उसके असहाब मुसलमान ही नहीं थे। फजूल की बकवास मत करो शिमर, इन फजूलियात के पीछे अपना वक्त बर्बाद मत करो। अगर नसरानियों से जंग हो गई तो लश्कर बिखर जाएगा। तुम्हें एक पर एक की जंग के लिए राजी नहीं होना चाहिए था उमर। हमारे लोग मौत से डरते हैं और हुसैन के असहाब मौत के इश्तियाक में लड़ रहे हैं। उनमें से एक एक शख्स हमारे लश्कर के सैकड़ों सिपाहियों पर भारी है। मिसाल के तौर पर यह नसरानी बच्चा हमारे कितने नावल लड़ाकुओं को खत्म कर दिया इसने। इसका सर तन से जुदा करके इसकी माँ के लिए भेज दो। और हाँ शिमर, हुसैन के साथियों को हमारे सिपाहियों के सामने तकरीर करने की मोहलत मत दो। इस ग्रोह की जबान इनकी तलवारों से कुछ कम नहीं है। जी अमीर। कबूल हो मुंतकी में कर्रार। उठो, कूफा तुम्हारा मुंतजिर है।
अरे आप ये क्या कर रही है बीबी? क्या ठीक से नहीं कर रही मैं? ठीक और गलत की बात नहीं है, आपको तो हुक्मरानी करनी चाहिए। अगर आपके हाथ इस मिट्टी में खराब हो गए तो अब उस साहब को क्या जवाब दूंगा? अपने आप को मसरूफ रखती हूँ ताकि तरह तरह के ख्यालात मुझे तंग ना करें। आप किस लिए परेशान है बीबी जी? मक्का से कूफे तक कितने दिन का रास्ता है जरबी? किस सवारी के मुताबिक? क्या मतलब? जी हाँ, ऊंट की सवारी से 1 महीना और तेज दौड़ने वाले घोड़े से 20 दिन। अगर ऊंट के हिसाब से भी देखें तो मुख्तार को अब तक पहुंच जाना चाहिए था। मुझे डर है कि कहीं वो रास्ता ना भटक गया हो। अबू इसहाक रास्ता नहीं भटक सकता, वो सहरा को हाथ की हथेली की तरह पहचानता है बीबी। तो फिर कहाँ गया होगा, पहुंचा क्यों नहीं? अपने दिल को संभालिए बीबी, अबू इसहाक इसी रास्ते से अकेला गया था और उसके देर करने में भी यकीनन कोई हिकमत होगी। शायद जानबूझकर उसने रास्ता लंबा किया हो ताकि मक्का के फौजियों को झांसा दे सके। हुर्रा कहाँ है? हुर्रा कहाँ है जरबी? यहीं थी बीबी, मिट्टी से खेल रही थी। हुर्रा! ऐसा तो नहीं कि कहीं मेरी बच्ची झाड़ियों में फंस गई हो? परेशान मत होइए बीबी, अगर झाड़ियों में फंस गई होती तो शोर शराबा करती, हमें पता चल जाता। पानी, पानी जरबी, हुर्रा, 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 कहाँ हो बेटी? हुर्रा, जबान में बात कर रही है बानो? अपने बाप की जबान में। ये आपकी बेटी है? ये तुम्हारी बेटी है। हमेशा इंसान को गाफिल कर देते हो। यही शिकारी की खासियत होती है बानो, शिकार गाफिल ना हो तो शिकार नहीं होगा।
हुर्रा कहाँ हो बेटी? वाह हो तुम्हारी जात पर, ऐसी लड़की जो इतनी शरीर और फजूल हो कभी नहीं देखी। आज तो दुनिया बदल गई है, हमने तो आज तक लड़कियों को माओ के जैसा देखा था। इस लड़की में तो जर्रा बराबर भी माँ की खूबू नहीं, बिल्कुल अपने बाप की तरह बेचैन लड़की है। अगर किसी सांप या बिच्छू ने उसे डस लिया हो तो हाय तुम्हारी जात पे लानत है बदमाश। अरे अबू इसाक है ये तो। क्या इस तरह अमानतों का ख्याल रखते हैं जरबी? ये बच्ची मर जाती तो आपके कदमों पे कुर्बान हो जाऊं सरकार। ये बच्ची इंसान की बच्ची नहीं है, लाल आंधी है, काली बला है। जरबी जी हाँ बानो, ये झूठ नहीं है। इस डेढ़ बालिश की बच्ची में डर है ही नहीं, तमाम जानवर इसके हाथ से पना मांगते हैं। एक दिन ये इतना मोटा सांप लेकर खेल रही थी, शुक्र है सांप ने कुछ ना किया। मैंने बानो हुरा की तरह नडर और बेबाक बच्ची कभी नहीं देखी। अगर ये लड़का होती अपने बाप का हाथ पीछे करके बांध चुकी होती। ये देखिए अब इस बेजुबान खरगोश को इतना दबाएगी कि इसकी जान निकल जाएगी। इसे छोड़ दो बेटी। लुलू कुरकुर हाप हाप। सरकार ये रही आपकी दूसरी अमानत। हशाश बशाश आपकी भूख पहचान कर बेताब हो रहा है। बेशक तुम एक बेहतरीन अमानतदार हो जरबी। जी हाँ, इसके बाद नहीं होगा। तुम्हारी इन अमानतों के बोझ तले मेरी कमर टूटने वाली थी। ये लो सरकार, ये आपका घर बार, ये बानो उमरा और आपकी बच्ची, और ये दुलदुल। अब मुझे माफ कर दो सरकार, मैं 3 साल के बाद एक रात पुरसकून नींद सोना चाहता हूँ। किस बात पर गुस्सा हो जरबी? गुस्सा हो रहा हूँ? कुल्हाड़ी मारोगे तो मेरा खून नहीं निकलेगा। कुछ ही देर में ये डेढ़ बालिश की बच्ची मेरी 10 साल की इज्जत और आबरू को जाया कर देती। अब तुम ही बताओ, अगर इस बच्ची को कुछ हो जाता तो कोई मानता कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है? ये बच्ची तो इंसाफ के करीने से भी दूर है। ये तुम आज हुरा से उलझ क्यों रहे हो? ये मुझसे उलझ रही है? तालू अक्का क्या मतलब है? मतलब ये कि मैं बुरा हूँ आखिर। जरबी, हुर्रा को मेरी खातिर माफ कर दो। जी सरकार, माफ कर दिया, आप जान मांग लीजिए। खुशामदीद अबू इसाक, बहुत देर कर दी, हम बहुत परेशान हो गए थे। मैं शर्मिंदा हूँ जरबी। मुख्तार, एक बहुत बड़ा बोझ है तुम्हारे कंधों पर, खुदा मुझे बदला चुकाने की तौफीक दे। जी नहीं सरकार, कोई बोझ नहीं है, हम तो आपके गुलाम हैं सरकार। ये लीजिए हाजी साहब,
बहुत बहुत शुक्रिया बानू। मेरी माँ की क्या खबर है? उनसे बेखबर नहीं हूँ, एक बार उन्हें देखने भी गई। खुदा का शुक्र है कि खैरियत से थी, सिर्फ जरा सा थकी हुई थी और वतन से दूरी का एहसास कर रही थी। वो लफ्का आ जाती तो वतन की याद कम आती उन्हें। नहीं, ये ठीक नहीं होता मुख्तार। उम्मे साबित मुझसे बड़ी हैं। बानो दुम्मा को उसके घर जाना चाहिए था। मेरा मकसद ये नहीं था कि तुम्हारी सौकन के घर क्यों गई हैं। मुझे पता है कि तुम हसद और बुग्ज से बरी हो, मगर दुम्मा मिजाजन बाग, हरियाली, मुर्गी और भेड़ बकरियों की आदि हैं। लफका उनके लिए ताइफ जैसा माहौल होता है, कूफे में पिंजरे में बैठे एक परिंदे की तरह है। बाना दुम्मा एक पढ़ी लिखी और होशियार खातून है। खुदा जानता है कि मैं बानो दुम्मा से मिलकर कितनी महसूस होती हूँ, मगर काश तुम बुढ़ापे में उस खातून को उनके ताइफ के घर और बाग से अलग न करते। और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास उमरा। आले जुबैर के हिजाज में होते हुए और उनकी दुश्मनी मुझसे होते हुए ताइफ दुम्मा के लिए कोई पुरम सरजमीन नहीं थी। मुझे खौफ था कि उसे अजियत देकर मुझे तस्लीम करवाने की कोशिश करते। क्या वाकई आले जुबैर इतने हद से गिरे हुए हैं कि अपनी और दुश्मनों की जंग में दुश्मन के घर वालों तक को घसीट लेते हैं? आले जुबैर आले उमैया से ज्यादा फासिद और ज्यादा खतरनाक हैं। जिस रात खाने काबा जल रहा था मैंने ये अपनी आंखों से देखा। उस रात जुबैर के बेटे की खाने काबा की तरफ उठी हुई पुरमसरत नजरें शैतानी नजरें थी उमरा, जो नहायत हैरत अंगेज थी। मत पूछो कैसे मजे ले रहा था वो, हमारे आग बुझाने के मुखालिफ था, तुम्हें यकीन नहीं आएगा। वो क्यों? उसका दावा था कि इस तरह यजीद की हुकूमत जमीन बोस हो जाएगी और जुबैरी हुकूमत छा जाएगी। तो मक्का के सफर की सौगात ये थी? आज के बाद से मुख्तार दो मैदानों का घुराने वाला शेर है, मैदान जंग यजीदियों और जुबैरियों का। तुम्हें मेरे सफर मक्का से कैसी सौगात की तवक्को थी? हाजी साहब, सफर हज की बेहतरीन सौगात मारिफत है। नए दुश्मन की पहचान कोई कम कीमत सौगात नहीं। तो फिर मजीद कठिन दिनों के लिए तैयार हो जाओ। तुमने क्या समझा है कि उमरा बावर्ची खाने में सर झुका के काम करने वाली बीवी है? जरा अपने घर को तो देखो। मैंने पूरी कोशिश की कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में घर की हर चीज ठीक रहे। सिर्फ तुम्हारी गैर मौजूदगी को बर्दाश्त करना मुश्किल था। हमारी बेटी के बालों की तादाद के बराबर वक्त गिना है इंतजार में। तुम तलवार चलाते थे और मैं कंघी चलाती थी हमारी बेटी के सर में। तुम खाने काबा का दिफा करते थे और मैं उसकी कहानी हमारी बेटी के कानों में सुनाती थी। मैं दुश्मन के खिलाफ खड़ा हुआ और तुम अपने दिल के खिलाफ, तो फिर तुम्हारा जहाज ज्यादा मुश्किल था और तुम्हारा अजर भी ज्यादा है। ये माले गनीमत बांटने का वक्त नहीं है हाजी साहब। दुश्मनों पर फतायाब होने तक एक तवील राह का सामना है। बैठे क्यों हो? उठो। तुम 3 साल कूफे से दूर थे। खूने हुसैन का बदला लेने वाले तुम्हारे मुंतजर हैं। हाथ पांव खो चुका हूं बिन काम, सरगर्दा हूं मैं।
मेरा दिल बेचैन हो रहा है। 3 साल से मैंने अबू इसहाक को नहीं देखा। कभी भी हमारे दरमियान इस कदर जुदाई वक्त नहीं। तुम्हें बड़े होने में वक्त है ज्ञान, बहुत जल्द ढीले पड़ जाते हो। मेरा कसूर नहीं है। कभी कभार तुम्हारे इश्क मोहब्बत पर मुझे हसद होने लगता है ज्ञान। खुशकिस्मत हो कि हमेशा से तुम्हारी एक मंजिल रही है जिसके तुम आशिक रहे हो। पीछे पलटो ज्ञान, माशूक ने चेहरा दिखा दिया। खुशामदीद है ज्ञान के देव शिकंदुस्तान। तुम भी खुश रहो हैदर के आशिक गुलाम। ये ज्ञान जब तक आपसे एक ईरानी रुस्तम ना बना ले जान नहीं छोड़ेगा। ये चाहता है कि एक अरब नामवर पहलवान को अजम बना दे। खुशामदीद ऐ अब्रहा को उठाने वाले सरदार। अब्रहा को उठाने वाला हो या देव का, दोनों का एक ही मतलब है बिन कामिल। अबू इसहाक तो जरब और मुझी रानी के लिए एक निजात दहिंदा है। अबू इसहाक जैसा आदमी किसी कौम और कबीले से ताल्लुक नहीं रखता, सबका होता है। तुम्हें मजाक को झेलना नहीं आता कियान? बेतुका सा मजाक। तुमने देखा मुख्तार, फिर इसकी ईरानी रख फड़क गई। ये कहो कि मेरी अपनी अरबी रख फड़क उठी, तुम्हारी जान भी ले ली जाए तब भी अरब। मैं तुम लोगों की इन बचकाना हरकतों को देखने के लिए तरस गया था। इस बचकाना लड़ाई से मुझे धोखा देना चाहते हो? हमने थोड़ा सा मजाक किया था ताकि आपका दिल बह जाए। जो चीज़ खुदा को पसंद नहीं उसका मजाक भी मत करो। बेशक अल्लाह के नज़दीक फजीलत का मेयार तकवा। हमने सुन रखा था कि आप बहुत बदल गए। हाँ, बदल गया हूँ। मेरी बहुत सी ख्वाहिशात मान पड़ गई हैं, मेरे बहुत से अकीदे बदल गए हैं। बदल गया हूँ। या लसारात अल हुसैन, ये आजाद लोगों का नारा है, चाहे अरब हो या जम। कौम नस्ल की बरतरी की बहस चाहे मजाक में ही क्यों ना हो, अरब की फजीलत का बायस नहीं बनती। खासकर पैरवान अली को तो बिल्कुल जेब नहीं देती। हैफ है कि आप लोग अपनी पाक रूह को शैतान के फसफसों से आलूदा करें। अरब और अजम दोनों एक ही खुदा की मखलूक हैं और आपस में बराबर के भाई हैं। फजीलत दयानतदारी की है। तमाम साथियों से हमने बात कर ली है। तकरीबन कूफियों की एक तिहाई बैत करने के लिए तैयार है। मैंने सुना है कि शियों के ज्यादातर बुजुर्गान कौम ने सुलेमान की हिमायत कर ली है और खुरूज का इरादा रखते हैं। खुदकुशी का इरादा रखते हैं मुख्तार? सुलेमान को खास समझ बूझ नहीं है मुख्तार। तो फिर कौम के बड़ों ने उसकी हिमायत क्यों कर ली? क्योंकि तुम कूफे में नहीं थे मुख्तार। इब्ने ज़ियाद के फरार होने के बाद शियों की वाहिद पनाह सुलेमान था, जिसने अपने आप को तवाब कहलाकर या लिसारातुल हुसैन का नारा लगाया। हमें काम से मतलब है बिन कामिल। मैं करूं या सुलेमान, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुलेमान की आपके बारे में अच्छी राय नहीं है अबू इसहाक। उसका कहना है कि आप हुकूमत की लालच रखते हैं। खूने हुसैन बहाना है। मैंने बहुत से कबाइल के बुजुर्गों से बात की है मुख्तार। अगर आपने क़याम किया तो वो लोग आपसे मिल जाएंगे। वो ठीक कह रहे हैं, सुलेमान की जंगी मामलात पर काबिले जिक्र रसाई नहीं है। उसे मारने का इश्तियाक नहीं है अबू इसहाक,
मरने का इश्तियाक। तुम्हें भरपूर ताकत के साथ कुफे में दाखिल होना चाहिए अबू इसहाक। नहीं, मैं बगैर शोर शराबे के कुफे में दाखिल होऊंगा। कबाइल के बुजुर्गों से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हम ताकत दिखाएंगे तो शिया दो ग्रोह बन जाएंगे। अहले ज़ुबैर सिर्फ हमें और तवाबीन को आपस में लड़ा देगी ताकि कूफे पर हुकूमत मजबूत कर सके। ज़रबी ज़ीन उठा रहा दुल के ऊपर से। क्यों सरकार, अभी तो इसे तैयार करने का वक्त है, ये बहुत खास हो चुका है। नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया कि मैं दुल पर सवार होकर निकलूं। देर हो गई है सरकार, इस पे सवार होकर तो देखो कैसे नाच दिखाता है। जब चलता है गोया रक्स करता है, भागता नहीं है ये उड़ता है। इस पे बैठ कर तो देखो क्या शय है। दुल मेराज का घोड़ा है ज़रबी, वो तैयार हो चुका है, मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। तो फिर तुम कूफा कैसे जाओगे? उसी मक्का के हम सफर के साथ। उस बेजुबान में तो बिल्कुल ताकत नहीं बची है, गुनाह है ये। उस बेचारे ने मक्का से यहाँ तक का सफर किया है, थका होगा, बूढ़ा है वो जानवर, इस जैसी ताकत नहीं रखता। हम दोनों आपस में निमट लेंगे। आओ मेरे भाई, देखा ना तुमने मेरी बात को भी टाल दिया, नहीं हो सका। अब एक बार फिर तुम इंतजार करना होगा। तुम्हारे लिए क्या ख्वाब देखा है खुदा ही जानता है।